क्या आप भी अपना पैसा डबल करना चाहते हो आने वाले कुछ महीनों के अंदर, तो ये स्टॉक आपके लिए है। आप लोग देख सकते हो इस स्टॉक का प्राइस 5.12 रुपया है। इसके माने आप मान सकते हो 5 रुपया, 5 रुपये में ऐसा स्टॉक जो 5 साल के अंदर 830% का रिटर्न दिया है। देख सकते हो 830% का रिटर्न दिया है 5 साल के अंदर। अपना पैसा इसमें लगा सकते हो आप लोग, और ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें ज़्यादा रुपया नहीं लगा सकते हो, बट आप इसमें 10,000-20,000 रुपया लगा के इसे छोड़ सकते हो। ऐसे ही स्टॉक आगे चल के मल्टी बैगर बनते हैं। 1 साल का रिटर्न दिखाऊं तो 65%, 1 साल में कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, बट आप इसका 5 साल का देखेंगे तो 830% का रिटर्न दिया है। और इसमें बात करूँ कि ये स्टॉक भाग क्यों रहा है, ये स्टॉक इतना ज़्यादा रिटर्न क्यों दे रहा है इतना छोटा स्टॉक होने के बाद भी, तो इसका जो मेन रीजन है ये इधर है। आप लोग देख सकते हो जो इसका सेल्स है वो 45% है 3 साल के अंदर, इसलिए ये इंक्रीज हो रहा है स्टॉक का प्राइस। और ये जो 5 साल में वो 44% है, और प्रॉफिट देखा जाए तो 3 साल में 31% का है और 5 साल में 16% का है। और रिटर्न की बात करूँ तो 3 साल के अंदर 26% के CGR से ग्रो हुआ है, और 5 साल में 59% के CGR से ग्रो हुआ है। और सबसे जो मेन रीजन है इसमें जो इस स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो इसका प्रमोटर होल्डिंग है, क्योंकि ये स्टॉक का 62% प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर के पास इसका होल्डिंग है, इसीलिए इस पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं सब लोग और पैसा लगा रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि ये छोटा सा स्टॉक है। और आप लोग देख सकते हो, और इस स्टॉक का प्राइस 5 रुपया है, और स्टॉक का जो नाम है ये आप लोग देख सकते हो इधर लिखा है। इसे आप गूगल पे सर्च करके और फर्दर रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। हमारा तो कहने का मतलब यही है कि इसमें ज़्यादा रुपया मत लगाओ, बट इसमें कुछ कुछ पैसे डाल रखो जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा।